दिन किसान डिजिटल से व्याप्त करने लगेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, कहां ढूंढता फिरेगा वो अंबानी अडानी को। आपको मालूम है 84% से ज्यादा किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन है, वो कहां अपना बेचने जाएगा। ये बड़ी अजीब स्थिति है, जाने किस तरह की बात करते हैं। समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप ये बताइए कि जो अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है, वो जब कम हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म है आपकी? कोई मैकेनिज्म नहीं। और आपने शुरू में ही कहा था कि कहीं भी किसान मनचाही कीमतों पर बेच सकेगा, क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि किसान की मनचाही कीमतों पर कौन मूल्य मिलेगा? मनचाही कीमतों पर इस शब्द पर जोर दीजिए। आपने कहा था शुरू में इंट्रोड्यूस करते समय इन बिलों, ये नहीं हो सकता है। क्या मालूम क्या स्थिति होगी? जैसे समानांतर बड़े बड़े लोगों की मंडियां आ जाएं और हमारी एग्जिस्टिंग मंडीज, तो उनके सामने ये तो इनकी दम घुट जाएगी, ये मुकाबला उनका नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे जियो के सामने हमारा BSNL दम तोड़ रहा है, तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, बेचने की स्थिति में हो कि नहीं। और आप तो किसान के परिवार से आते हैं, अगर अदरवाइज न लें बुरा मत मानना, मैं मेरी मनसा खराब नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है, ये लगता ही नहीं कि बिल आपने बनाया है। क्योंकि कोई किसान का बेटा इस तरह का बिल नहीं ला सकता।